बहुत ही ज़्यादा इजी है इस अचीवमेंट को कंप्लीट करना। इसका नाम है पेलोड पावर हाउस, जहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस अचीवमेंट को कंप्लीट कर लिया है। और बहुत से लोग इस अचीवमेंट को इसलिए कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उन लोगों को भाई पता ही नहीं है क्या करना है, और किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता क्या करना है, वो आपको कुछ भी बताए जा रहे हैं और आप उनकी बात में माने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको कैसे ईजी इस अचीवमेंट को कम्प्लीट करना है। तो गाइज, सबसे पहले हम इस अचीवमेंट के कुछ मिशन देख लेते हैं जो मिशन आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो पहला मिशन है डिस्ट्रॉय वन मेटल डोर ऑफ अ सीक्रेट रूम। इस मिशन को भाई बहुत से लोग गलती कर रहे हैं करने में, बहुत से यूट्यूबर कह रहे थे कि इस मिशन को आपको सबसे लास्ट में करना है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस मिशन को कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए सेकेंड मिशन है यूज अ व्हीकल वेपन टू डिफीट वन प्लेयर, यानी कि आपको एक गाड़ी से एक बंदा किल करना होगा। सब कुछ करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ। उसके बाद यूज अ यूएवी एयर स्ट्राइक कॉमन डिवाइस टू डिफीट वन प्लेयर। ओके, एयर स्ट्राइक से आपको एक बंदा मारना होगा जो भाई नया आया अभी। उसके बाद देखिए यूज द कम्युनिकेशन टावर टू रिवाइव वन टीममेट, तो अपने टीममेट को मार के उसे वापस बुलाना है आपको टावर का यूज करके। उसके बाद लास्ट मिशन डिस्ट्रॉय वन व्हीकल। तो अभी मैं आपको सारे मिशन करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ और क्या करना है आपको। और सबसे पहले मैं आगे करूँगा कंप्लीट डिस्ट्रॉय वन मेटल डोर ऑफ अ सीक्रेट रूम, जो कि भाई बहुत से यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि आपको ये सबसे लास्ट में करना है, बट मैं सबसे पहले करूँगा ये मिशन कंप्लीट। गए जैसे ही मैं मिल्टा उतरता हूँ, मुझे यहाँ पे डासिया मिल जाती है खड़ी, और साइड पे बोट है। मेरा टीममेट बोलता है कि आके बोट को मार ले, मैं यहाँ पे गाड़ी लेके जाता हूँ ताकि मैं बोट को इजीली फिनिश कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोट को जला दिया है, आपको भी ऐसे बोट को जला देना जैसे मैंने जलाया। उसके बाद गाइस आपको दूसरा जो मिशन था, वहाँ पे एक मिशन था कि गाड़ी को आपको ब्लास्ट करना है। तो अभी मैं इस गाड़ी को ब्लास्ट भी कर दूंगा लगे हाथ, क्योंकि गाड़ी पास ही में है। तो अभी मैं इसे ब्लास्ट करने लगा हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस मैं इस गाड़ी को ब्लास्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट इतनी ईजी ये गाड़ी ब्लास्ट नहीं होगी। तो ब्लास्ट करने के लिए मुझे रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि मैंने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया और मैंने इस गाड़ी को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया। आपको भी ऐसे इस गाड़ी को ब्लास्ट कर देना। ये मिशन आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लास्ट में ये मिशन करना है और फर्स्ट में ये मिशन करना है, आप आगे पीछे करके कोई भी मिशन कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने गाड़ी ब्लास्ट कर दी। फिर मेरा टीममेट बोलता है कि उसको पता है कि मिल्टा में कहाँ पर आपको मेटल डोर मिलेगा, मुझे बोलता है कि मेरे पीछे आ। मैं उसके पीछे जाता हूँ, और गाइज मैं आपको बता दूं मेटल डोर आपको मिल्टा में, पुचिनकी में, स्कूल में, स्वर्णी में, बहुत सी लोकेशन में देखने को मिल जाएगा। यदि आपको इसकी लोकेशन नहीं पता तो आप मिल्टा में आ सकते हो। यहाँ पे देखिए सामने मेटल डोर है, और जैसे ही मैं इस पे रॉकेट लॉन्चर से हमला करता हूँ, और भाई मेरी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि ये बहुत ही पास में ये मेटल डोर है, इसकी वजह से मेरी ये हेल्थ जा रही है। और गाइज एक बात और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपने देखा होगा मिशन में लिखा था लैंड दी फाइनल ब्लो टू मेटल डोर, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लास्ट में ये मिशन कंप्लीट करना, उसका मतलब ये है कि मेटल डोर पे जो आप गोली चलाओगे वो आखिरी गोली आपकी होनी चाहिए, यानी कि आपके जो टीममेट होंगे वो भी मेटल डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, तो लास्ट में वो गोली लगेगी जिससे मेटल डोर टूटेगा, वो गोली आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए मेटल डोर तोड़ने के बाद मुझे यूएवी कंट्रोल टर्मिनल मिल गया है, ये आपको भाई क्रेट में मिलेगा या फिर मेटल डोर तोड़ने के बाद मिलेगा, और इसी का इस्तेमाल करके आप अगला मिशन कंप्लीट कर पाओगे। इसलिए आपके पास यूएवी कंट्रोल होना चाहिए जिससे आप ईजिली एयर स्ट्राइक करके अपना मिशन कंप्लीट कर सको। तो यहाँ पे देखिए मैंने भाई यूज़ कर दिया यूएवी एयर स्ट्राइक, और यहाँ पे सामने एनिमी है, बोट है ये नहीं, रियल प्लेयर है। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान का प्लेयर, और यहाँ पे मैंने इस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया, ऊपर से मैंने हमला किया और इसे मैंने फिनिश कर दिया। यहाँ पर मेरा किल फिनिश हो गया, और ये क्लिप गाइस मैंने दूसरे मैच में ली है, क्योंकि उस मैच में ये क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो अभी अगला मिशन जो है उसमें मुझे अपने टीममेट को मारकर वापस बुलाना है, तो अभी मैं इसे मार दूंगा। तो गाइज अगला जो मिशन है उसमें मुझे अपने टीममेट को मारना है, तो यहाँ पे ये नॉक हो चुका है और मैं चाहता हूँ इसे जल्दी जल्दी मारूँ। और मारना नहीं है आपको, बस आपको अपने टीममेट को वापस बुलाना है कम्युनिकेशन टावर के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने खुद ही मार दिया इसे, ताकि मैं इसे वापस बुला सकूँ, जिंदा कर सकूँ मार के। आप मत मारना, नहीं तो आपका मेरिट कम हो जाएगा। अपने टीममेट से बात कर लेना, और यहाँ पे हम रिकॉल करके अपने टीममेट को वापस बुला लेते हैं। तो जैसे ही मेरा टीममेट नीचे आएगा मेरा ये मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं सोच रहा था कि मेरा कौन से मिशन बचे हैं, क्योंकि मैंने गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया, गाड़ी से एनिमी को फिनिश कर दिया, उसके बाद मेटल डोर तोड़ दिया, अपने टीममेट को वापस बुला लिया, सब कुछ कर लिया, मैंने यूएवी एयर स्ट्राइक भी कर लिया, तब मैंने सोचा कि मेरे सारे मिशन कंप्लीट हो चुके हैं।
मिशन कंप्लीट करने के बाद हम मर जाते हैं और वापस आ जाते हैं अपनी लॉबी में। लॉबी में आने के बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमारी अचीवमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से मैंने 3 क्लासिक क्रेडिट कलेक्ट कर लिए। बहुत ही ज़्यादा इजी है गाइस, आप कोई भी मिशन आगे पीछे करके कर सकते हो इस अचीवमेंट को कम्प्लीट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में ही आपको मेटल डोर को तोड़ना है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय। Thank you.